हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक स्ट्रैडल की, कि एक सिंथेटिक स्ट्रैडल क्या होती है, इसका सेटअप क्या होता है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है और क्यों ये आपको ट्रेड करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि एक सिंथेटिक स्ट्रैडल क्या होती है, इसका सेटअप किस तरह का होता है। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देता हूं कि सिंथेटिक स्ट्रैडल में बेसिकली होता क्या है, ताकि आप वहां पे इस चीज को अच्छे से समझो। तो देखिए, एक नॉर्मल स्ट्रैडल क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रैडल में हम सेम स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैडल। अब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रैडल सिर्फ एट द मनी का ही होता है, कि हम एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं और ये एक स्ट्रैडल बन जाता है। तो देखिए, स्ट्रैडल में कॉल और पुट तो हम सेम स्ट्राइक का सेल करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्ट्राइक एट द मनी का ही हो। स्ट्रैडल हम इन द मनी में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, स्ट्रैडल हम आउट द मनी में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो स्ट्रैडल है ये इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रैडल एट द मनी ही हो, जो कि ज्यादातर लोग समझते हैं। जब भी स्ट्रैडल की बात होती है तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एट द मनी के स्ट्राइक का ही होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे या एट द मनी कहीं का भी हो सकता है। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, सिंथेटिक स्ट्रैडल में क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रैडल हम डिप्लॉय करते हैं उसमें हमने कॉल और पुट सेल कर दिया, लेट्स से एट द मनी का ही हमने कॉल और पुट सेल कर दिया, तो ये एक स्ट्रैडल हो गया। अब अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे वो अच्छा खासा होता है, वो डिसेंट होता है। लेकिन मेरा लॉस है वो भी यहाँ पे भारी भरकम होता है, एक हैवी लॉस मुझे यहाँ पे हो सकता है अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है। तो इसी वजह से ये स्ट्रेटजी काफी रिस्की होती है, और जो नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं रेकमेंड नहीं करता कि वो इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनलिमिटेड है, आपको थ्योरेटिकली कितना भी लॉस हो सकता है। अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपका प्रॉफिट तो डिसेंट होगा, लेकिन अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो आपका लॉस है वो भी हैवी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सिंथेटिक स्ट्रैडल का। अब सिंथेटिक स्ट्रैडल है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर और नीचे एक स्ट्रैडल में जो लॉस होता है उस लॉस को कैप कर देते हैं। अब सिंथेटिक स्ट्रैडल में आपका लॉस है वो कैप हो जाता है, आपका लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं रहता है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो और आप विजिलेंट रहते हो, तो आप मुझे बोलोगे कि अगर मैं उस लॉस को कैप कर देता हूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो क्या ये एक आयरन फ्लाई नहीं बन जाएगी। तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, ये एक आयरन फ्लाई बन जाएगी, लेकिन एक आयरन फ्लाई एक सिंथेटिक स्ट्रैडल से किस तरह से डिफरेंट होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी, कि एक सिंथेटिक स्ट्रैडल क्या होती है, क्यों हमें ये ट्रेड करनी चाहिए, और कैसे एक सिंथेटिक स्ट्रैडल एक आयरन फ्लाई से डिफरेंट होती है। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। जो चीज मैंने आपको अभी वर्बली बोल के बताई है वो चीज मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, और यहां पर अब मैं आपको एक सिंथेटिक स्ट्रैडल ट्रेड करके दिखाता हूं। तो मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17450 है, ये एट द मनी का लेवल है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स कहां पे ट्रेड कर रहा है 17532, तो ऑलमोस्ट 17500 है, इसको मैं एट द मनी का लेवल बोल सकता हूं, क्योंकि स्पॉट है वो 17450 पे ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर्स है वो उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर 17532 पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए यहां पे मैं 17500 को एट द मनी का लेवल लेके और एक सिंथेटिक स्ट्रैडल को ट्रेड करता हूं। तो सिंथेटिक स्ट्रैडल आपको किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय करता हूँ, तो मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है, और जो करंट सीरीज है उसके ऑप्शन चेन ये है। तो 17500 है, ये एट द मनी का लेवल है, तो मैं क्या करूंगा, 17500 का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा और 17500 का ही एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा। तो देखिए, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 17500 का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड हो रहा है 231 रुपीज पे, इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया, और 17500 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 201 रुपीज पे, तो इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो सकता है, 21600 रुपीज का, 21600 रुपीज, जो कि मेरी जो कैपिटल डिप्लॉय है उसका ऑलमोस्ट 19% है, ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है अगले 3 वीक्स में। तो इस सीरीज में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो डिसेंट है, कुछ टाइम में मुझे 21000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्ट्रैडल में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो होने के चांसेस है वो बहुत नैरो होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इस पिन पॉइंट पे आकर ही एक्सपायर होगा तभी आपको इस तरह का प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देख के आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये प्रॉफिट मुझे हो सकता है, क्योंकि उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 21,600 रुपीज का है। और अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन्स की, तो मेरे ब्रेक इवन्स आप देखिए, नीचे की तरफ जो ब्रेक इवन है वो 17,000 है और ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है 17,900 है। और अगर मैं बात करूं मार्जिन की, तो मार्जिन यहाँ कितना लगा है, 1,14,000 का मार्जिन मैंने पे किया है इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो भी मेरा लॉस अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे इस लॉस को कैप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाय करके। तो मैंने 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, 17,500 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं 17,500 से, और लेट से मैं 300 पॉइंट नीचे जाके और 17,200 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूं, एक नीचे की तरफ का हेज में बाय कर लेता हूं, एक लोट 17,200 का मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया 100 रुपीज खर्च करके, और इसी तरह से 17,500 से अगर मैं 300 पॉइंट ऊपर जाता हूं और 17,800 का लेट से मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं जिसका प्रीमियम है 95 रुपीज, तो इसका एक लोट मैंने बाय कर लिया। अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट किस तरह का बनता है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट है। अब अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो पहले मेरा लॉस जो अनलिमिटेड था वो अब कैप हो गया है, अब मेरा मैक्सिमम लॉस है 3,400 रुपीज का है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और मैक्सिमम प्रॉफिट है ये अब 11,000 रुपीज का है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रेडल में ऊपर और नीचे की तरफ हेजेस बाय किए तो ये जो सेटअप बन गया इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। लेकिन आयरन फ्लाई है ये डिफरेंट चीज है, और जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है सिंथेटिक स्ट्रेडल, वो अलग चीज है। तो स्ट्रेडल तो आप समझते हैं कि कॉल और पुट मैंने दोनों सेल कर दिए, दैट इज ए स्ट्रेडल, लेकिन मैंने हेजेस जैसे ही बाय किए ऊपर और नीचे तो ये एक आयरन फ्लाई बन गया। अब सिंथेटिक स्ट्रेडल होता है उसमें भी हम हेजेस ही बाय करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर आप इस तरह से हेजेस बाय करोगे तो ये एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। सिंथेटिक स्ट्रेडल में भी हम हेज तो बाय करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सेम बात बोल रहा हूँ। आयरन फ्लाई है उसमें भी हम हेजेस बाय कर रहे हैं, और सिंथेटिक स्ट्रेडल है उसमें भी हम हेज ही बाय करेंगे। तो आपका सवाल होगा कि इन दोनों में फिर फर्क क्या है, तो देखिए फर्क ये है कि आयरन फ्लाई में हम जो हेज बाय करते हैं उसका एक्चुअल पर्पज हेजिंग ही होता है, वो हम प्रोटेक्शन के लिए बाय करते हैं। लेकिन सिंथेटिक स्ट्रेडल में हम जो हेज बाय करते हैं उसका एक्चुअल इंटेंशन एक्चुअल पर्पज हेजिंग नहीं होता है, वो हम बेसिकली मार्जिन बेनिफिट के लिए करते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने हेजेस बाय किए तो एक आयरन फ्लाई बन गया, ये मुझको हेजिंग भी प्रोवाइड करवा रहा है, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है अब यहाँ पे 3,400 रुपीज का रह गया है। लेकिन अगर आपको इसको सिंथेटिक स्ट्रेडल में कन्वर्ट करना है तो वो आप किस तरह से करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिंथेटिक स्ट्रेडल में क्या होता है, ये जो हेजेस मैंने पास के बाय किए हैं ये मैं काफी दूर के बाय करूंगा, मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ, और 17,500 जहां का मैंने कॉल और पुट दोनों सेल कर रखे हैं, इससे लेट से मैं 1000 पॉइंट नीचे जाता हूँ। अगर मैं 1000 पॉइंट नीचे जाके और 16,500 का लेट से मैं एक पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, या आप इससे भी नीचे जा सकते हो, यहाँ पे इंटेंशन ये होती है कि हेजिंग पे मुझे ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो मैंने 16,500 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, और इसी तरह से 17,500 से 1000 पॉइंट ऊपर जाके और लेट से मैं 18,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय करता हूं जिसका प्रीमियम 10 रुपीज है। तो अब आप देखिए ये बन गई एक सिंथेटिक स्ट्रेडल। सिंथेटिक स्ट्रेडल ये कैसे बनी, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा लॉस वो कैप हो गया लेकिन 30,000 रुपीज का है। तो देखिए सिंथेटिक स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है एक स्ट्रेडल में उस पर मैं सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। जब मैं हेजेस बाय करता हूं तो दोनों तरफ मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि मैं हेज बाय कर रहा हूं। हेज बाय करने पे मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि हेजिंग पे मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूं वो क्या करेगा, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको कम कर देगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में कितना था, 21,600 रुपीज का, और अगर मैं हेजिंग बाय करता हूं तो वो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने इसको एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया, मैंने हेजिंग बाय की दोनों तरफ, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 11,000 रुपीज का रह गया। 21,000 से और सीधा 11,000 पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, मतलब 10,000 रुपीज मैंने हेजिंग पे खर्च कर दिए। तो वो बन गई एक आयरन फ्लाई। लेकिन जब आप एक स्ट्रेडल को सिंथेटिक स्ट्रेडल में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपकी इंटेंशन, आपका पर्पज हेजिंग नहीं होता है, वहां पे आपका पर्पज होता है कि मुझे थोड़ा बहुत मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उस पर भी मैं सैक्रिफाइस ना करूं। तो ये मेरा पर्पज होता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने हेजिंग है वो दूर की बाई की है और इसका इफेक्ट क्या आया है कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 21,600 रुपीज का उस पर मैंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं किया है,
स्टिल मेरा प्रॉफिट है ये 20,000 रुपीज का है। और अगर आप इतना भी खर्च नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप देखिए 22 रुपीज का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है, 10 रुपीज का मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, मैंने इन टोटल 32 रुपीज खर्च किए हैं। अगर आप इतना भी खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप ऑल आउट द मनी जा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से 16,500 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया ये ना करके, और मैं 16,000 का पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, तो इसका प्रीमियम है वो सिर्फ 10 रुपीज है, तो ये मैं एक लोट बाय कर लेता हूँ। और 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय ना करके, और लेट से मैं 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देखिए, अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 20,800 रुपीज का है। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो मैक्स प्रॉफिट था उस पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट एक स्ट्रेटजी में कितना था, 21,600 रुपीज का, और अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 20,800 रुपीज का। तो मैंने सिर्फ 800 रुपीज सेक्रीफाइस किए हैं, और मैंने क्या किया, 800 रुपीज मैक्स प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करके और इस स्ट्रेटजी को कन्वर्ट कर दिया एक सिंथेटिक स्ट्रेटजी में। और अब आप देखिए, मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है, 91,000 रुपीज की मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, पहले ये कितनी थी, 1,14,000 रुपीज की। तो ऑलमोस्ट 24,000-25,000 रुपए से मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है। और एक स्ट्रेटल में जहां पे मेरा लॉस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड था, कहीं ना कहीं वो भी अब गैप हुआ है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में जो हो सकता है वो 54,000 रुपीज का है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिंथेटिक स्ट्रेटल है, उसमें मेरा पर्पज लॉस को कम करना है ही नहीं, उसमें मेरा पर्पज है एक तो मार्जिन बेनिफिट लेना, और दूसरा मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है उस पर मैं सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। अगर मैक्स प्रॉफिट पे मैं सैक्रिफाइस करूंगा तब तो मैं इतने दूर की हेजिंग क्यों बाय करूंगा, मैं इसको एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मेरा व्यू ये है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, जो स्ट्रेटल मैंने बनाई है इसी रेंज में रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा प्रोटेक्शन भी बाय कर लेता हूं, और इससे मुझे हेजिंग बेनिफिट भी मिल जाएगा। और ये दोनों काम कैसे हो रहे हैं, बिना मुझे प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस किए। तो सिर्फ 800 रुपए खर्च करके और मैंने इस स्ट्रेटल को कन्वर्ट कर दिया एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, अगर आप बिगिनर हो तो आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेटल को ट्रेड करते हो तो आप नेकेड स्ट्रेटल को कभी भी सेल मत कीजिए, आप हमेशा इसको एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपका पे ऑफ है वो बिल्कुल सिंथेटिक स्ट्रेटल जैसा ही होगा, लेकिन अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है तो वहां पे आप काफी हद तक बच जाओगे। लेट से मार्केट में एक लोअर सर्किट ही लग जाता है, तो अगर यही ट्रेड ओपन रहता तो आपका लॉस था वो अनलिमिटेड था, लेकिन क्योंकि आपने इसको एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में कन्वर्ट कर दिया है तो अब आपका मैक्स लॉस है 54,000 रुपीज का है। अब 54,000 रुपीज का लॉस है, ये भी काफी ह्यूज लॉस है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, स्ट्रेटल में आपका मैक्स लॉस था वो अनलिमिटेड था, तो अनलिमिटेड लॉस के आगे 54,000 का लॉस है वो स्टिल छोटा है। हालांकि अपने आप में लॉस काफी बड़ा है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस से बेटर है कि कहीं ना कहीं जाके तो आपका लॉस रुक रहा है। तो अगर आप एक नेकेड स्ट्रेटल को ट्रेड करते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको हमेशा एक नेकेड स्ट्रेटल को एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में कन्वर्ट कर देना है। इससे आपका मार्जिन है वो भी कम लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी जो कि ब्लैक स्वान इवेंट में आपके काम आ सकती है। तो ये होता है सिंथेटिक स्ट्रेटल का सेटअप, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्ट्रेटल को नेकेड ट्रेड करने से बेटर है कि आप इसको एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में कन्वर्ट कर दो। तो चलिए, ये होती है एक सिंथेटिक स्ट्रेटल, और ये क्यों आपको ट्रेड करनी चाहिए, क्या इसका सेटअप होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अब से आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कीजिए स्ट्रेटल की जगह, अगर आप एक बिगनर हो तो, लेकिन अगर आपको मार्केट में काफी टाइम हो गया है और आप इस तरह की स्ट्रेटजीज के साथ कंफर्टेबल हो तो फिर आप स्ट्रेटल को ट्रेड कीजिए। लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा कि स्ट्रेटल को नेकेड ट्रेड करने से बेटर है कि आप उसको कन्वर्ट कर दो एक सिंथेटिक स्ट्रेटल में, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।